नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। टॉप 5 खबरें लेकर मैं फिर आपके पास। छात्रों के लिए आवास किराए की माफी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट में एक दलील दी गई है जिसमें दिल्ली सरकार को एक दिशा निर्देश देने की मांग की गई है ताकि पीड़ित छात्रों की मदद के लिए एक योजना तैयार की जा सके। साक्षी अरोड़ा और आदित्य यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय का परिपत्र दिनांक 29 मार्च 2020 के अनुसार स्पष्ट नहीं है। इसने छात्रों द्वारा देय किराए को माफ कर दिया है या इसने इस तरह के भुगतान को स्थगित कर दिया है, यह अस्पष्टता याचिकाकर्ताओं का चिंता है, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारों को एक महीने में 2 महीने का समय के किराया मांगना पड़ सकता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले अधिकांश छात्र अपने बच्चों को छांटने के लिए ट्यूशन और अन्य छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के छात्रों के कारण विफल रहे हैं। यह याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जबकि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और अन्य पेशवरों के लिए समर्थन की घोषणा की है। ऐसे छात्रों को कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा जो ऐसे परिवारों से आते हैं जो आर्थिक रूप से उनका समर्थन नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने के लिए कहा है कि छात्रों को मासिक किराए पर लेने की छूट दी जाएगी आवास उद्देश्यों के लिए किराए पर लिए गए परिसर के लिए। नाग नागिन का उद्घटना वीडियो बनाया गया। जी हाँ, नगर सुठालिया में एक नाग नागिन जोड़े को प्रणय बंधन के समय फर्सी से उनके मुख को शरीर से पृथक कर दिया गया। हद तो तब हो गई, इन क्रूर अपराधियों ने उद्घटना का वीडियो बनाया, मृत शरीर पर घास लेट डाल उन्हें तड़पाया और उसे वायरल किया। उत्कृत्य वीडियो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है। हम सभी नगरवासी आहत हैं जब कोई जीव मानव को कोई हानि न पहुंचा रहा हो और यदि उसकी इस प्रकार हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। शासन प्रशासन से मांग है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस अमान्य कृत्य की समस्त नगरवासी निंदा करते हैं। उद्घटना नगर सुठालिया, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, दिन 22 अप्रैल 2020 अमावस्या के दिन की है। शोकाकुल नगरवासी सुठालिया। भारतीय रेलवे को लोगों के यात्रा करने की अनुमति देने के लिए ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का सुझाव मिले हैं। जी हां, भारतीय रेलवे आपातकालीन स्थितियों में लोगों की यात्रा में मदद करने के लिए आशंकी यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का विचार को कम कर रहा है। प्रस्ताव कुछ विशेष ट्रेनों की शुरुआत करने के लिए है जिनकी कीमत अधिक है। विचार यह है कि केवल उन लोगों को जो आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रा करने की आवश्यकता है उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। रेलवे ने पहले ही वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और छात्रों के लिए या चिकित्सा आधार पर रियायती यात्रा रोक दी है। यह यात्रियों की यात्रा को न्यूनतम रखता है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो रेलवे पहले केवल स्लीपर ट्रेनें शुरू कर सकती है। ऐसी ट्रेनों को शुरू में नहीं चलाया जाएगा, केवल एक कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को पहले यात्रा करने की अनुमति होगी क्योंकि रेलवे सामान्य वर्ग को भीड़ नहीं देना चाहता है। प्रारंभ में ट्रेनें केवल हर क्षेत्र में स्टेशनरी में ही चलेंगी जो इन क्षेत्रों में अंतर्गत आते हैं। ट्रेन या तो हॉटस्पॉट को बाईपास करेंगी या संबंधित स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, फंसे मजदूरों को लाएंगे वापस। जी हाँ, कोरोना वायरस से एक तरह पूरा देश संकट में पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने राज्य के मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इस बड़े फैसले के तहत दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को योगी सरकार वापस लाएगी। ये वह मजदूर हैं जिन्होंने अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। सीएम योगी ने इन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में योगी सरकार ने अन्य राज्यों में 14 दिन क्वारंटाइन का पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों को वापस लाने का फैसला किया है। सीएम योगी ने राज्य में 15 डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। सीएम योगी ने नमित नोडल अधिकारियों से क्वारंटीन पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर दूसरे राज्य सरकारों के सहयोग से पहले यूपी के बॉर्डर तक लाए जाएंगे। इसके बाद सभी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग होगी, फिर पुल टेस्टिंग के लिए संदिग्ध मजदूरों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद यूपी के बॉर्डर से संबंधित जिलों तक राज्य सरकार बस परिवहन की सुविधा मुहैया कराएगी। ये सारे मजदूर अपने जिलों के शेल्टर होम में भी
14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। इसके बाद सभी मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हो सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मजदूरों को राशन किट और ₹1,000 भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। जॉन मार्टिनस ने कथित तौर पर गूगल क्वांटम प्रयास छोड़ दिया। कुशल क्वांटम कंप्यूटरिंग से उन प्रगति को सक्षम करने की उम्मीद की जाती है जो शास्त्रीय कंप्यूटरों के साथ असंभव है। जापान और सिडनी के वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है और एक उपन्यास द्वि आयामी डिजाइन का प्रस्ताव किया है, जिसका निर्माण मौजूदा एकीकृत सर्किट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जा सकता है। यह डिजाइन भविष्य में एक कदम करीब लाने के लिए स्केल ऐप क्वांटम कंप्यूटर के लिए वर्तमान 3 आयामी पैकेजिंग का सामना करने वाली विशिष्ट समस्याओं को हल करता है। क्वांटम कंप्यूटर तेजी से भौतिकी और रसायन विज्ञान और दवा, हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल उद्योगपतियों जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित कर रही है। वैश्विक स्तर पर गूगल और IBM जैसी कंपनियों की रिसर्च लैब क्वांटम कंप्यूटरों को बेहतर बनाने और अच्छे कारणों के साथ व्यापक संसाधन खर्च कर रही है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, जो शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में सूचनाओं को तेजी से संसाधित करते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि एरर करेक्शन और फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम काउंट रिसीव की जाती है। तो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति एक अभूतपूर्व पैमाने पर होगी। ऐसी टॉप 5 खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।